बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन जॉब्स। आप सब खैरियत से होंगे। सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, जिन्होंने एमडीकेआर के लिए अभी अप्लाई किया है उनका कुछ इशू आ रहा है अप्लाई में। कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और फी भी पे कर दी है बैंक में, लेकिन अभी तक जो पोर्टल पे जाके चेक करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो जो है वो अनपेड ही शो हो रहा है। उधर पेड लिखा हुआ जो है वो शो आपको नहीं हो रहा, पेंडिंग शो हो रहा है। उसकी रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसके हवाले से आज की वीडियो में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स बात करते हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एमडीकेआर 2023 देने हैं और उसके जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, चलान भी बैंक में पे कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें जो है वो एक वीक हो गया है, अभी तक हमारा जो स्टेटस है वो उधर पेंडिंग शो हो रहा है, पेड स्टेटस जो है वो शो नहीं हो रहा पोर्टल पे। उसकी रीजन क्या है, उसके हवाले से तमाम तरह डिटेल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं स्टूडेंट्स उसकी रीजन क्या है। ये पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो है वो अपना कुछ जो है वो पोर्टल का प्रॉब्लम है। ये काफी, ये सिर्फ स्टूडेंट्स आप एक स्टूडेंट को नहीं बल्कि काफी सारे स्टूडेंट को ये इशू फेस करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अगर बैंक में चलान पे कर दिया आपकी तरफ से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पीएमडीसी का ऑफिशियली जो है वो पोर्टल का मसला है, वो पीएमडीसी जो है इसको मजीद अपडेट भी कर देगी और मे भी जो है वो 10 दिन का टाइम लग सकता है, बाजू का 10 दिन का टाइम भी लग जाता है उधर पेड का स्टेटस शो होते हुए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 दिन और वेट कर लें, इंशाल्लाह उधर आपके पोर्टल पे जहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन है, इधर आपने जो चलान पे किया है वो उधर पेड का ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा। आप 3-4 दिन और मजीद वेट कर लें, परेशान ना हूँ। काफी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स का नहीं काफी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये पीएमडीसी का अपना प्रॉब्लम है, उसके पोर्टल का प्रॉब्लम है। तो आपको स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया है, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन वेट करें, 3-4 दिन तक सारा सिस्टम जो है वो सेट हो जाएगा और उधर पेंडिंग की बजाय पैड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके हवाले से अगर मजीद आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद एमडीकेआर की तैयारी के हवाले से हम डेली बेसिस पे आपसे कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं इस चैनल पे, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपसे इस चैनल पे रोजाना मैं जो है वो शेयर करता हूँ वीडियो बनाकर, उसको लाजमी तौर पर देख लिया करें, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। काफी जो है वो अहम एमसीक्यूज होते हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उनको लाजमी तौर पर गो थ्रू कर लिया करें। उनमें से एमसीक्यूज कोई भी आपके पेपर में रिपीट भी हो सकता है, तो आपको जो है वो काफी तरीके से समझ भी आ जाएगी। मैं आपको जो है वो सिर्फ राइट ऑप्शन भी नहीं बल्कि उसकी रीजन भी बताता हूँ जो एमसीक्यूज आपसे शेयर करता हूँ कि उसकी रीजन क्या है, इसका ऑप्शन ये क्यों है, तो आप उनको लाजमी तौर पर देख लिया करें ताकि आपकी एमडीकेआर की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। इस हवाले से मजीद आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले, व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह करने से गुरेज किए करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।